एक नाबालिग ने अपने ही दोस्त पर कैंची से हमला कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी को शक था कि उसकी बहन और दोस्त के बीच प्रेम प्रसंग है, जिसके चलते उसने इस खूनी वारदात को अंजाम दिया। राजनांदगांव में प्रेम प्रसंग के मामले में एक नाबालिग ने युवक की हत्या कर दी। आरोपी ने पहले युवक को शराब पीने के लिए बहाने से बुलाया। इस बीच दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद मौका पाते ही आरोपी ने कैंची से हमला कर युवक की हत्या कर दी। नाबालिग को शक था कि उसकी बहन और दोस्त के बीच प्रेम प्रसंग है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग बालक है, उसने दो दोस्त राजू निषाद और भवानी ध्रुव को शराब पीने के उद्देश्य से डोंगरगढ़ बुलाया था और नाबालिग युवक जो है उसकी बड़ी बहन का संबंध होने के शक में जो मृतक राजू निषाद है उसकी कैंची से हत्या कर दी। और जब उसे विस्तृत पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि इसने हत्या करने की नीयत से ही उनको शराब पीने पर के लिए यहाँ पर बुलाया था। और जब उसने देखा उसको सामने तो उसने आवेश मारकर उसकी कैंची मारकर कैंची से उसकी हत्या कर दी। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।